तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है दोस्तों आप सभी का ग्रो विथ मनीष चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एयरटेल का 5G डेटा जो है उसको क्लेम कैसे करते हैं। 5G का ऑफर जो आता है एयरटेल में, उसको क्लेम नहीं करोगे तो आपका 5G खत्म हो जाएगा। 5G शो होगा लेकिन आपका 5G ऐसा नहीं चलेगा, अनलिमिटेड नहीं चलेगा। तो अनलिमिटेड 5G को क्लेम कैसे करते हैं उसके ऊपर इस आज की वीडियो है। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा कि क्लेम कैसे करते हैं और 5G अनलिमिटेड कैसे चालू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने 5G के ऊपर वीडियो बनाया था एयरटेल के ऊपर, और मेरा 5G का वो ऑफर भी नहीं आ रहा था, क्लेम करने का ऑफर भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उसमें जो प्रोसेस बताया उसको करने के बाद मेरा भी क्लेम का ऑप्शन आ गया 5G का। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ, पहले आपको क्या करना है, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन दोस्तों आपको प्ले स्टोर से जो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना है बताता हूँ। तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने सेटिंग जाना, अपने फ़ोन के सेटिंग में पहले देख लेना कि 5G है या नहीं है। आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके 5G प्रेफर्ड नेटवर्क जो आता है ना, इसमें जैसे मेरा 5G प्रेफर्ड है, 4G है, 3G है, 2G है, किस किस का में ऑल रहता है। तो मेरा 5G प्रेफर्ड नेटवर्क है तो 5G में मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क है और एक्सेस पॉइंट नेम है, तो एक्सेस पॉइंट नेम को क्या करना है, पहले रीसेट टू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में रीसेट कर देना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो मेरे फ़ोन में दोस्तों और एक मैसेज भी यहाँ पे आया है, जैसे कि मोबाइल डेटा के नीचे जो है एक मैसेज भी है, 5G यूजेस हेल्प। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है तो 5G सिम कार्ड हैज बीन एक्टिवेट, 5G जो भी सर्विसेज है, तो आपको लोकल से सिम कार्ड कैरियर से कनेक्ट भी करना है, पहले देखना है लोकल प्रोवाइडर से क्या सब आपके एरिया में आ रहा है या नहीं, ये सब पढ़ लेना आप दोस्तों, पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, आप पढ़ ही लेना, सब कुछ हो जाएगा यहीं से। उसके लिए दोस्तों थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है मैंने। और यहाँ पे दोस्तों थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद मेरा प्लान भी आप देख सकते हो 1.5 GB पर डे का है, मतलब 239 रुपीज़ से ऊपर का ही प्लान है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे दोस्तों पहले ये क्लेम अनलिमिटेड डेटा नहीं आ रहा था मेरे में, अभी आ गया है और क्लेम अनलिमिटेड डेटा आया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे उप्स लिख के आएगा, लेकिन आपको भी लिख के आएगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिचार्ज नाउ बोला है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर भी दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है यू हैव जस्ट रिचार्ज क्लिक हियर, ठीक है। तो मैंने अभी भी रिचार्ज किया तो क्लिक हियर, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा क्लिक हियर पे, यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है, दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी ऑफर कस्टमर टू एक्सपीरियंस हाई स्पीड 5G डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा इज ओवर अबव योर प्लान लिमिट, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड 5G डेटा कैन बी यूज्ड इन 5G नेटवर्क एरियाज, तो आपका एरिया पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके एरिया में है या नहीं, नहीं तो ये कटते जाएगा दोस्तों, 5G आएगा ही नहीं। तो ऑफर अवेलेबल प्रीपेड कस्टमर ऑन अनलिमिटेड, देखो 240 रुपये से ऊपर रिचार्ज करोगे तभी आएगा। तो ये सब ऑफर है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे दोस्तों आपको क्लेम नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूँगा। उससे पहले जान लो आपका एरिया में नेटवर्क होना चाहिए, तो मेरा एरिया में यहाँ पे तो नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। जियो का तो हर जगह मिल जाता है यार, एयरटेल का नहीं मिलता, तो एयरटेल वाले थोड़ा जल्दी करो। तो यहाँ पे मैं क्लेम नाउ पे क्लिक करता हूँ आपके आंखों के सामने, मैंने अभी तक इसको नहीं किया है, क्लेम नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लेम नाउ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पेंडिंग आ गया, मतलब मेरा हो चुका है, रिक्वेस्ट चला गया है, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो मेरा अनलिमिटेड 5G जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, मतलब 5G में अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ, अनलिमिटेड कुछ भी मेरा नहीं कटेगा। जैसे कि अभी 1.5 GB पैक है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे नहीं ख़त्म होगा। तो अगर आप एयरटेल के लिए तो बता दिया मैंने, अगर जियो के लिए जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आई बटन पर दे दूंगा, जियो वाला भी देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही बोलना है दोस्तों वीडियो में, इतना ही बोल के वीडियो को एंड करूंगा दोस्तों। जय हिंद वंदे मातरम, और अपने दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना ही बोलना है, बाय बाय।